हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के फोर्थ वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है इन द फोर्थ वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर कैंसर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स Five of Pentacles, Ace of Chalices. The wheel of the year। तो कैंसर, ऐसा लग रहा है कि आप जिन लोगों को अभी तक मनाने में लगे हुए थे, जिन लोगों से आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को आपकी परवाह नहीं है। आप देखेंगे कि वो लोग आपके क्लोज आ रहे हैं। आप यहां सैड बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि इस बच्चे की तरह कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए किसी को परवाह नहीं है। और यहां पे आप एक सैड बच्चे की तरह बैठे हुए हैं जबकि दूसरे लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कैंसर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की तरह मुझे लगता है कि हर कोई आपसे बात करना चाहेगा इस वीक में। हर कोई आपको पैम्पर करना चाहता है, मनाना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि उन्होंने शायद जाने अनजाने आपको हर्ट किया है, आपको इग्नोर किया है, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की है। और वो ये समझ नहीं पाए कि जिस चीज के लिए आप कह रहे हैं या जो चीजें आप मांग रहे हैं वो ज्यादा नहीं है, वो चीजें आप डिजर्व करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप यहाँ पे पैम्पर्ड नजर आ रहे हैं मुझे। आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके पार्टनर है, हर कोई यहाँ पे है ताकि आपको खुश किया जा सके। और हर कोई आपको मनाना चाहता है बिकॉज हर किसी के लिए आप इंपॉर्टेंट हैं, भले ही आप अभी ये फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहां एस ऑफ चैलिसेस के साथ ये जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, प्लीजेंट माहौल है, इतने सारे लोग हैं, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद आपने सवेरा देखा है, कितने दिनों बाद आपको खुशी का एहसास हुआ है, कितने दिनों बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कद्र है सबको। और एस ऑफ चैलिसेस के साथ आपको ब्लेस्ड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है और आप हैप्पी हैं। यहां पे द व्हील ऑफ द ईयर देखिए, यहां से शायद आपका टाइम चेंज हो, व्हील ऑफ द ईयर आया है, तो इस वीक में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आगे लंबे समय तक आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। यहां आपके साथ लक है, मनी है, उन लोगों का साथ है जिनकी आप परवाह करते हैं, एंड यहां सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। ये वीक आपके लिए काफी लकी होने वाला है कैंसर, एंड आपकी प्रॉब्लम्स को बिना कहे भी दूसरे लोग समझ रहे हैं। हालांकि अगर आप 2021 की रीडिंग देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जनरल रीडिंग है कैंसर, सबसे मैच नहीं कर सकती है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर फोर्थ वीक ऑफ नवंबर। The moon, excuse me,
स्टैंडिंग स्टोन, पेज ऑफ चैलिसेस, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पे द मून का कार्ड है। द मून के कार्ड के साथ आपके जो एनिमीज हैं, आई मीन एनिमीज से मेरा मतलब है वो लोग जो नहीं चाहते कि आपके लाइफ में पीस रहे और आपके रिलेशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते रहे हैं। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी कैंसर, जब आपके और किसी और के बीच किसी चीज को लेके प्रॉब्लम थी एंड आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था, आप समझ नहीं पा रहे थे क्यों, आखिर क्यों आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है जबकि आपने कुछ नहीं किया, और लोगों को दिख क्यों नहीं रहा कि अदर पार्टी की प्रॉब्लम है जो भी है, तो वो चीज यहां पे क्लियर होने वाली है। द मून के साथ आपके एनमी को उसका कर्मा सबक देगा। क्यों? अगर आप ये कार्ड देखें इस पे क्या लिखा हुआ है, हार्म नन, यानी किसी का नुकसान ना करें, किसी को चोट ना पहुंचाएं। तो यहां पे द स्टैंडिंग स्टोन है, यानी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आपका बैलेंस जो क्या मैं कहूं तराजू, ओके, जो तराजू जो पड़ रहा उनकी तरफ भारी था, वो अब आपकी तरफ टिल्ट होगा, क्योंकि उनका बुरे जो कर्म है वो उनको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। जो उन्होंने किया है उनको वो मिलेगा, जो वो डिजर्व करते हैं। और इस वीक में जो भी आपसे मिस करेगा उसको ये समझना चाहिए कि आपका प्रोटेक्टर यूनिवर्स है और सच को सामने आना ही है, आज नहीं तो कल। यहां पे आप पेज ऑफ चैलिसेस देख रहे हैं, तो पेज ऑफ चैलिसेस के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं सीनरी, आप चीजों को डिजाइन कर रहे हैं और हॉबीज आपकी निकल के आ रही हैं बाहर, और पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं ये चीज आपको रिलीफ दे रही है कि डाउट्स क्लियर हुए, लोगों को ये पता चला कि वो पर्सन आप नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके ऊपर जो कुछ भी इल्जाम लगे वो बिना मतलब के थे, एंड पेज ऑफ चैलिसेस के साथ आप हैप्पी हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, और फाइनली व्हील ऑफ द ईयर घूम रहा है, यानी लक आपका अब जाएगा एक अच्छे डायरेक्शन में। यहां एट ऑफ वॉन्ड्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कैंसर, आपको कोई नया भी मिल सकता है इस वीक में। हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आए अगर आप सिंगल हैं, और एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जो भी पर्सन है एक तरीके से ये गिफ्ट है, एंड आपके लिए सारी नेगेटिविटी बाहर जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी के लिए रूम बनता जा रहा है। चलिए आपके लिए ओरेकल मैसेज देखते हैं कैंसर। मैसेजेस फॉर कैंसर, for this week of November. Healer, you have the spiritual gift of healing, a desire to share it with others. तो आपको इस वीक में बहुत पीस महसूस होगा क्योंकि आपको गिफ्ट है यूनिवर्स से, और आप अपने दर्द को कम कर पाएंगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे और आपको शांति का एहसास होगा। आप अपनी भी मदद कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस से दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। लोगों को आपकी जरूरत है और आपको अपनी जरूरत है, तो बस रिलैक्स कीजिए, अपनी एनर्जी से फोकस कीजिए, आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा होता जा रहा है कैंसर। तो ये थी रीडिंग नवंबर के फोर्थ वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।